चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं सवाल जो है 8.5x + 2.5y = 21 और 4x + y = 22। तो देखिए अब इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, x या y किसी को बराबर कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर 2.5y है, यहाँ सिर्फ y है। अगर हम इसमें 2.5 की गुणा कर दें तो 2.5 की जब y में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.5y। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे अच्छे से समझिए, तो ऊपर वाला लिख देंगे कि 1.5x + 2.5y = 21। अब इसमें गुणा करने जा रहे हैं तो 2.5 के पहले 4 में गुणा करेंगे। तो देखिए 4 × 2.5, पॉइंट हटाया नीचे कितना आ गया 10। ठीक, अब 5 से काटा 25, 5 × 2 = 10, 2 से इसको काट दिया कितना आ गया 2, यानी कितना आ गया 2 × 5 = 10 आ गया। अच्छे से समझना, यानी ये हो गया 2.5 की जब इसमें गुणा किया तो ये आ गया हमारा 10 यक्स, और फिर 2.5 की जब y में गुणा किया तो ये आ गया 2.5y, और 2.5 की जब इसमें गुणा करेंगे अच्छे से समझिए 22 × 2.5, पॉइंट होता है नीचे कितना आ गया 10, 5 से काटा 25, 5 × 2 = 10, 2 से इसको काटा ये आ गया 11, और 11 की जब 5 से गुणा होगी तो आ जाएगा 55, यानी 11 × 5 = 55। अब देखिए यहां पर लिखा जाता है जोड़ने पर या फिर घटाने पर। तो जोड़ने पर क्या लिखा जाता है, जब चिन्ह समान होता है तो लिखा जाता है घटाने पर। देखिए अच्छे से, ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, यानी हमको अगर 0 लाना है तो बताइए ये चिन्ह समान है, तो यहां पर जब लिखेंगे घटाने पर तब 4 में से 4 = 0। अगर चिन्ह विपरीत हो, अच्छे से समझिए समझना, इसको जो है इसको लिखेंगे जोड़ने पर, इसको चिन्ह अगर विपरीत है तो जोड़ने पर और समान है तो घटाने पर। तो यहां पर चिन्ह क्या है, समान है। तो देखिए 4 में से 4 = 0, यानी 2.5y में से 2.5y जब घटाएंगे तब 0 आएगा, इसीलिए यहां पर हम लिख देंगे घटाने पर। ठीक, तो जब इसको घटाने पर लिखेंगे तो देखिए चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक, तो ये 21 में से 55 गया, तो देखिए 21 - 55, तो 5 में से 1 = 4, 5 में से 2 = 3, 34 बचा अभी किसका, माइनस का 34 बचा, तो ये आ गया माइनस का 34 बराबर। इधर देखिए 1.5 में से 10 गया, तो 10 में से घटा लो 1.5। ठीक, इधर हासिल आया 5 बचा, ठीक, यहां पर बचा 9, 9 में से 1 = 8, यानी 8.5 बचा, वो भी किसका, माइनस का, माइनस का 8.5 यक्स। तो यक्स का मान आ जाएगा माइनस का 34 बटे माइनस का 8.5, देखिए माइनस से माइनस कर दिया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ गया 0। तो यक्स का मान देखिए 17 से जब काटेंगे तो 17 × 34 0, और 17 × 5 = 85, जब 5 से 20 को काटेंगे तो आ गया 4, यानी यक्स का मान कितना आ गया 4। तो अब यक्स का जो यह मान आया है, यक्स का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं जो आपको आसान लगे, इसमें रख देते हैं, यहां पर पॉइंट वाला मैटर है, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है हमारा, 4x + y = 22। ठीक, तो 4, यक्स का मान कितना आया है 4 + y = 22, तो 4 × 16 + y = 22, तो y का मान कितना आ गया 22, और ये 16 प्लस का है उधर गया, माइनस का हो गया 16, तो y बराबर 16 × 6 = 22, यानी 6 बचा, कितना बचा 6। तो x का मान आया 4 और y का मान आया 6, ये हमारा आंसर हो गया।